Brought to you by Ludo Fantasy. कहीं दूर दूर तक इत्र का वास्ता पीयूष जैन से नहीं है और वो किसी और साधन से पैसा कमाए होंगे या किसी और बंदे का पैसा होगा जो उनके यहाँ पकड़ा गया है बड़ी कि... बात कह रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि वो इत्र कारोबारी है और आप कन्नौज में कह रहे हैं कि वो उनका इत्र का कारोबार है कि नहीं है अगर आप कन्नौज में किसी से भी जानकारी करेंगे तो उनका इत्र से कोई रिश्ता नहीं है कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर करोड़ों रुपया मिला और उस करोड़ों के रुपियों को बक्सों में भरकर कंटेनर से सेफ से जगह पर भेजा गया एक बार फिर इत्र का व्यापार और कन्नौज चर्चा में है क्या है इस इत्र कारोबार का गुटका कनेक्शन गुटका के कारोबार से कनेक्शन हम इस समय पर कन्नौज के ही कि वीके के वीके परफ्यूमर्स का ये जो फैक्ट्री है अगर हम कहा जाए वहां पर खड़े हैं पहले तो ये समझिए कि ये काम कैसे हो रहा है ये मेरे सामने जो आप देख देख रहे हैं वन टू थ्री ये तीन डेग हैं इसमें इस समय पर जो जड़ी बूटियां हैं वो रख करके उबाली जा रही हैं हमारे साथ वीके परफ्यूमर्स के जो प्रोपराइटर हैं जो मालिक हैं दीक्षित जी सर ये पहले तो ये बताइए क्या उबल रहा है क्या है ये देखो मैं ये इत्र समामा तैयार किया जा रहा है और इत्र समामा कई जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है जिसको हम लोग अपनी कंपाउंडिंग के रूप में तैयार करते हैं और वो महीनों की प्रोसेस के बाद तैयार होता है इत्र समामा ये, मतलब ये कहा जाए कि जड़ी बूटी का जो ऑयल है वो यहाँ से निकलता है जड़ी बूटियों का ऑयल कलेक्ट करके मिश्रित किया जाता है उसको इत्र समा किया बहुत सारी डेक दिख रही है क्या है ये 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 जब सीजन होता है तो सीजन पे जरूरत पड़ने पे ये चलाई जाती है अच्छा सर एक सवाल इस बात का है कि पीयूष जैन के यहाँ पर जो छापेमारी हुई छापेमारी हुई तो छापेमारी के बाद जो है आया कि इत्र के कारोबार का गुटका के व्यापार से कनेक्शन हम ये जानना चाहेंगे कि इत्र के व्यापार का गुटका से क्या कनेक्शन है इत्र गुटके में खुशबू के लिए डाला जाता है विषय गुटका कंपनी का है कि उसको पता होगा कि कितना डाला जाता है लेकिन खुशबू के लिए इत्र इस्तेमाल किया जाता है गुटका कंपनी वाले कुछ ना कुछ परचेज करते हैं कुछ परचेज करते हाँ। क्या इत्र के कारोबार का इतना बड़ा मतलब अगर कहा जाए कि टर्नओवर है कि इतनी बड़े अमाउंट में कैश वहां पे रखा जा रहा है क्या लगता है कि इतना बड़ा इत्र व्यापार है गुटका कनेक्शन कहीं दूर दूर तक इत्र का वास्ता पीयूष जैन से नहीं है और वो किसी और साधन से पैसा कमाए होंगे या किसी और बंदे का पैसा होगा जो उनके यहाँ पकड़ा गया है तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि वो इत्र कारोबारी हैं और आप कन्नौज में कह रहे हैं कि वो उनका इत्र का कारोबार है कि नहीं है अगर आप कन्नौज में किसी से भी जानकारी करेंगे तो उनका इत्र से कोई रिश्ता नहीं है कागज में हो सकता है इत्र की फैक्ट्री चला मुझे नहीं पता कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया भी है या नहीं लिया है भी काफी टाइम से इत्र के कारोबार से जुड़े हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका इत्र से कोई वास्ता है अच्छा एक चीज यह है कि जिस तरीके से डेढ़ करोड़ रुपया मिला लगभग और फिर उसके बाद से चर्चा में आया कि इत्र का कारोबार और फिर गुटका का कारोबार तो फिर वही सवाल है कि गुटका कारोबार का भले ही गुटके के कारोबार में बहुत थोड़े से परसेंटाइल में आपका इत्र यूज होता है तो ये इत्र की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा अभी है क्या धंधे के हाल हैं धंधे का हाल काफी टाइम से बहुत ज्यादा गिरावट पे है जिसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार मांग की है कि इत्र व्यवसाय बिल्कुल खत्म होने की स्थिति पे है इस पे कुछ सरकार की रहमत हो जो हमको सब्सिडी मिली और इत्र कारोबार जिंदा रहे इसके लिए कन्नौज का इत्र एसोसिएशन कई बार मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके मिल भी चुके अब के मुख्यमंत्री से और पिछले मुख्यमंत्री से सबसे इत्र के लिए गुहार लगाई जा चुकी है कि वो कुछ इसमें सब्सिडी जैसा दें तो जिससे इत्र का कारोबार चलता रहे किसानों को फूलों में कुछ राहत मिले खेती में राहत मिले जिससे ये जिंदा रहे धन्यवाद सर ये वीके जो परफ्यूमर्स हैं उनके मालिक हैं जिन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि गुट्टा के कारोबार में कैसे इत्र का बहुत मामूली मात्रा में प्रयोग होता है लेकिन इतना भी नहीं कि इत्र के कारोबार से डेढ़ सौ करोड़ के लगभग का कैश घर में मिल जाए बहरहाल यह भी कहा जा रहा है कि इत्र का कारोबार इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है सरकार से इत्र के कारोबारियों को उम्मीद है कि शायद सरकार की तरफ से कुछ मदद हो तो कन्नौज का इत्र कारोबार बच सके और दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरता रहे कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार यूपी तक